नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको सीक्रेट पैंट की कटिंग। तो कटिंग के लिए सबसे पहले जान लेते हैं, ये हमने कपड़ा लिया है दोस्तों, जिसकी जो हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, इसको क्या करना है, हमने डबल कर लेना है। 2.25 मीटर अगर जैसे कपड़ा है तो ये हमारा 41-42 इंच रह जाएगा। डबल करने के बाद इस तरीके से फैला लें इसको आराम से, जैसे मैंने फैलाया हुआ है, और इसके नीचे कोई बीच में कोई भी सलवट ना रहे दोस्तों। अब हमने अस्तर लेना है, ये मैंने अस्तर लिया है, ये भी हमारा 2.25 मीटर है, 2.25 मीटर अस्तर है, तो इसको हम इस तरीके से डबल करेंगे। ये हमने डबल किया है लंबाई में, और ये हमने जो अस्तर है ये डबल किया है अर्ज के हिसाब से, ये अर्ज में डबल है और ये लंबाई में डबल है। कपड़ा जो नीचे वाला कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से ऊपर बिछा लेते हैं, इसके कपड़े के ऊपर अस्तर को भी हम प्रॉपर सेट कर लेते हैं इस तरीके से। इस पे प्रेस करके बिल्कुल सही तरीके से बैठा लेते हैं। अब मैं दोस्तों आपको नाप बता देता हूँ, जो हमारी लेंथ है वो 35 है, और जो मोरी आएगी वो 12.5 इंच आएगी, जो हिप है वो 40 इंच आएगी, और जो कमर है वो 33 इंच आएगी। इसमें ये 4 चीज़ चाहिए होती हैं कटिंग के लिए दोस्तों, और अब मैं इसकी कटिंग आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक हमने ऊपर निशान लगाना है 1/2 इंच छोड़ के ऊपर, जो हम एक्स्ट्रा जो है ये कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले इसको कटिंग ही कर लेता हूँ इस तरीके से, ये हमने पीस सीधा कर लिया। अब हमने 1/2 इंच ऊपर इंची टेप निकालना है इस तरीके से, ये कपड़े से ऊपर 1/2 इंच है इंची टेप, जो कि हम बेल्ट के लिए। मैं इस सिगरेट पैंट में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये फ्रंट में हमारी बेल्ट आएगी और बैक साइड इलास्टिक आएगी, तो फ्रंट में बेल्ट के लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा इंची टेप इस तरीके से छोड़ देते हैं ऊपर, ताकि बेल्ट में जो एक्स्ट्रा पीस होता है उसमें कवर हो जाए। फिर हम लेंथ का निशान लगाएंगे, जैसे लेंथ है हमारी 35, तो हम यहाँ पे पूरा 35 का निशान लगाएंगे। जो हमारा जो आसन आएगा यहाँ से 1/2 इंच छोड़ने के बाद, तो ये आएगा हमारा 11 इंच दोस्तों, 11 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को, एक ऊपर हमने ये आसन वाला लगाया है, एक नीचे हमने ये लेंथ वाला लगाया है, इनको दोनों को इस तरीके से सीधा निशान लगा लेते हैं। अब हमने नीचे एक मार्जिन का निशान लगाना है, जो अंदर फोल्ड करते हैं जैसे इस तरीके से। अब मैं आपको साइज रखने का सही तरीका बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल आसान सा तरीका है साइज रखने का। जैसे हिप हमारी 40 इंच है, 40 इंच हिप है, तो हमने क्या करना है, 10 इसका चौथाई हिस्से पे निशान लगाना है, तो चौथाई हिस्सा आएगा हमारा 10 इंच का, ये 10 इंच का हमारा चौथाई हिस्सा आएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, 1/4 इंच की एक लूजिंग देनी है, 1/4 इंच की, और इसको हम बिल्कुल सीधा निशान लगा लेते हैं 1/4 इंच से इस तरीके से। ये 1/4 इंच की लूजिंग देने के बाद हमारा सीधा निशान इस तरीके से लग जाएगा। इसके बाद हमने 2.25 इंच की लूजिंग एक देनी है, ये वाली 2.25 इंच की लूजिंग, ये देने के बाद हम इस तरीके से गोलाई दे लेंगे इसमें, जिसको हम आसन वाली गोलाई बोलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने पूरा जो साइज मेजर करना है, ये हमारा 14 इंच आएगा, तो हम यहाँ पे इसके हाफ में निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। इधर से भी हमने 7 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है दोस्तों, घुटने का निशान देखते हैं, हमारा घुटना कहाँ पे आता है, जो घुटना आता है हमारा ऊपर से, जैसे ऐसे इंच टेप रखेंगे, 19 इंच पे घुटना आता है, आप नाप के भी देख सकते हो, 19 इंच पे घुटना आएगा। 19 इंच पे घुटना अगर आता है, तो नीचे से हमारा 16, 17 या 17.5 इंच पे नीचे से लेंथ आएगी, जो लेंथ के हिसाब से है, लेकिन ऊपर से हमने 19, 19.5 या 20 इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसी तरीके से जैसे हमने ये निशान लगाया, इसी तरीके से एक निशान में और लगा लेता हूँ। इस निशान की हमें कभी ज़रूरत नहीं होती,
लेकिन अगर हम सीक्रेट पेंट बना रहे हैं तो ये निशान हमारा जरूरी है। इस निशान को मैं पहले भी लगा देता, लेकिन एक्स्ट्रा चीज बताने के लिए उसको ये आगे पीछे करके बताना होता है, इसलिए मैं ये निशान बाद में लगा रहा हूँ दोस्तों। तो ये मैंने निशान लगाया है घुटने का, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने घुटना लिखा है, ये हमने घुटने का निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों को हम बिल्कुल सीधे, एक मोरी वाला नीचे, एक ये जो साइज वाला हमने लगाया था, इस तरीके से लगा लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा साइज होगा, सीधा निशान हो गया। इस तरीके से हमारे निशान कंप्लीट होने के बाद अब हमने पोंछे का निशान लगाना है। जैसे हमने पोंछा रखना है 12.5, तो हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे भी, और तो 3.25 इधर लगाएंगे और 3.25 इधर लगाएंगे दोस्तों, इस तरीके से। अब ये हम सेव पट्टी से इस तरीके से सेव दे देते हैं। इस साइड भी हमने इसी तरीके से सेव देनी है। अब यहाँ तक तो हमारी सेव पट्टी इस तरीके से आती है। अब इसके बाद हम इसी सेव पट्टी को ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पे ये वाला हमारा प्रॉपर निशान लगाएंगे इस तरीके से दोस्तों। देखो ये हमारे नॉर्मल पैंट प्लाजो की सेब में निशान लग गए हैं। अब हमने इसमें क्या करना है, जैसे मैं बता रहा था आपको कि हमने इसकी सीक्रेट पैंट बनानी है, तो सीक्रेट पैंट बनाने के लिए जो हमारा घुटना है वहाँ से हमने 1/4 इंच इधर से लेना है और 1/4 इंच हमने इधर से लेना है दोस्तों। यहाँ पे 1/4 इंच का निशान हमने यहाँ पे लगाया है और 1/4 इंच का ही निशान हमने यहाँ पे लगाया है। इसको हम बिल्कुल सीधी स्ट्रेट इस तरीके से फुटे से निशान लगाएंगे, ये वाला। इस साइड भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये घुटने के हिसाब से होता है, अगर हमारा साइज ज़्यादा है तो हम इतना निशान लगाएंगे, जैसे जो साइज है ये वाला, इस हिसाब से। अगर ये साइज और हल्का हो जाता है तो उसमें पोंछा भी कम हो जाएगा हमारा, और पोंछे के बाद हमारा ये साइज भी थोड़ा और कम हो जाएगा। अब हम यहाँ से सेव फट्टी की सेव देंगे इस तरीके से। इस साइड भी हम यही सेव देंगे दोस्तों, इस तरीके से। यहाँ पे हम हल्की हल्की इसको मिला लेंगे। इस तरीके से अब हमारी निशानी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको कटिंग बताऊंगा इसकी। ऊपर से हम साइड से शुरू करते हैं कटिंग। इस तरीके से इधर भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे और निशान के ऊपर हम ये कटिंग कर लेते हैं। ध्यान रहे अगर हमारे निशान में कहीं गड्ढा पड़ता है तो हल्का सा हम बाहर की साइड कैंची लगा लेते हैं। जैसे हल्का सा यहाँ पे गड्ढा आ रहा है तो मैंने हल्की सी बाहर एक पैर बाहर कटिंग की है। अब हम इसको दोबारा से इस साइड से भी प्रॉपर सेट कर लेंगे। एक बार हम फिर इसको चेक करेंगे ऐसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से दोस्तों। ये वाला तरीका है बिल्कुल सीक्रेट पैंट को सही चेक करने का। ध्यान रहे कोई पीस नीचे वाला या ऊपर वाला इधर उधर ना हो, तो ये हमारे बिल्कुल प्रॉपर सेम में आ जाएगा दोस्तों। अब हम इसमें ऊपर एक कटिंग लगाएंगे, ऐसे कट लगाएंगे इस तरीके से, और नीचे भी कट लगाएंगे मोरी में इस तरीके से। अब हमने क्या करना है,
आधा इंच यहाँ से हमने काउंट करना है फ्रंट, जो हमने कट लगाया है बस उसी से इस तरीके से, ये हमने आधा इंच फ्रंट काउंट किया है, क्योंकि जो लेडीज का होता है वुमन का जो फ्रंट होता है वो नाभि के नीचे हल्का पड़ जाता है और जो हिप होती है वो भारी होती है, इसीलिए हम आधा इंच यहाँ पे डाउन करके कटिंग करते हैं, और जो हिप जो ऊपर कटिंग करेंगे हिप बैक साइड वाला जो हिस्सा कटिंग करेंगे वो तकरीबन हम एक से डेढ़ इंच एक्स्ट्रा ऊपर उठा के कटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसकी बैक साइड के बारे में आपको बताऊंगा कटिंग का। अब हमने बैक साइड कटिंग के लिए इसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट के लिए कपड़ा बिछाया था, नीचे हम कपड़ा रखेंगे उसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे, इसी तरीके से हमने ये बिछाया है दोस्तों। अब हमने क्या करना है इसके भी कटिंग करने के लिए, सबसे पहले हमने क्या करना है फ्रंट इसके ऊपर बिछा लेते हैं इस तरीके से। ये मैंने फ्रंट इसके ऊपर बिछाया दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। हाँ ये बिल्कुल ठीक है हमारा, यहाँ पे प्रॉपर नीचे बिल्कुल सही आएगा और सीधा करके बिछाना है हमने। अब मैं आपको बताऊंगा इसको, सबसे पहले हम सीधा निशान लगा लेते हैं इसमें, तो आधा इंच जैसे हमने डाउन किया था तो सीधा निशान हमारा ये आएगा यहाँ पे। अब हमने इसको एक इंच ऊपर बढ़ाना है इस तरीके से, तो ये निशान हमारा इस तरीके से जाएगा दोस्तों। अब हमने क्या करना है, यहाँ से भी हमने 3.5 इंच लेना है और यहाँ से भी हमने 3.5 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा लास्टिक के लिए फोल्ड हो जाता है जिसमें हमें जोड़ नहीं लगाना पड़ता, यही हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा दोस्तों, इतना पीस हमने एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है। अब यहाँ की कटिंग बताऊंगा मैं आपको आसान वाली, यहाँ पे हमने 2.25 इंच का निशान लगाना है और नीचे हमने यहाँ पे मोरी के लिए 1 इंच का निशान लगाना है, और जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको यहाँ पे हमने 1.25 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से, और इसको हम ऊपर मिला देते हैं इस तरीके से ऐसे सेफ फट्टी के हिसाब से, और नीचे हमने इधर भी स्केल सीधे स्केल से निशान लगाया था तो यहाँ पे भी हम सीधे स्केल से निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसमें हल्की सी यहाँ पे गोलाई डाल देंगे जहाँ पे हमारा आसन खत्म होता है ये फ्रंट वाला, इससे हम सीधा निशान लगाते हैं ऐसे वाला, और यहाँ पे हम गोलाई दे लेंगे इस तरीके से। अब हम कटिंग करते हैं दोस्तों, साइड से ही कटिंग शुरू करेंगे बैक की। अब हम ऊपर से कटिंग करेंगे, ये बैक साइड वाला आसान हो गया इस तरीके से दोस्तों, हमारी ये प्रॉपर बिल्कुल सीक्रेट पेंट की कटिंग हो गई है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कटिंग वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।